हेलो दोस्तों, वर्टिस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कुछ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया था। 4 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का था, वहाँ पर 3m, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 करके दे रखा था। तो चलिए फिर इसको भी सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 3। हमने इस सपोज कर लिया कि लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर है और बी इज इक्वल टू 3 है, क्योंकि हम इसको प्रूव करेंगे उसके बाद। तो बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड, डिवीजन लेमा, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन बी, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि B का मान 3 है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ R क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 0 से ग्रेटर R इक्वल होता है तो 0 तो रहेगा ही और 1 भी रहेगा, और 3 से कम होगा इसका मतलब 2 तक रहेगा, ठीक है। अब R की वैल्यू हम एक एक करके चेक करेंगे। अगर R की वैल्यू व्हेन R इज इक्वल टू 0, जब r इक्वल टू 0 होगा तो इसमें हम पुट करेंगे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 0, ठीक है। और इसमें देखिए कहाँ शो करना हमें, क्या क्यूब, सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्या करेंगे इसका क्यूब करेंगे। तो अगर हम बोथ साइड क्यूब कर दें तो क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब, इस क्या आ जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 3q क्या हो जाता है, 27 की क्यू क्यूब, ठीक हो जाएगा ये। इस तरीके से हम 3 का मल्टीपल अगर निकालेंगे तो 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 3 9 27 होता है, तो 3 × 9 का क्यूब, 9q का क्यूब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्या है, 9q³ क्या है, एक इंटीजर है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एज अ m लिख सकते हैं, तो 3m हो जाएगा, तो a इज क्यूब इज इक्वल टू 3m, ये बात क्लियर हो रही है। तो एक तो हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है। नहीं, एक काम करिए, इसमें 9 कॉमन ले लेंगे अगर, तो ए क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 × 3q³। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें प्रूव करना है 9 के मल्टीपल में, तो एज अ इंटीजर 3³ हो जाएगा, तो हम इसे m लिख सकते हैं, तो 9 × m इसे लिखा जा सकता है, यानी ए क्यूब इक्वल टू 9m। तो पहला ये प्रूफ हो गया। अगला क्या करेंगे हम, वेन r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 रखेंगे उसी में, तो ये a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q+1। बोथ साइड क्यूब रूट करेंगे, मतलब क्यूब करेंगे बोथ साइड, होल क्यूब करेंगे, तो a a क्यूब हो जाएगा ये, और 3q+1 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूले से खुलेगा। a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला क्या होता है, लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये सभी को पता है ये फार्मूले, उसी का यूज करेंगे यहाँ पे। तो ए क्यूब का मतलब 3q का क्यूब हो जाएगा, 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3ab में देखो 3 × 3q × 1 प्लस इंटू होगा यहाँ पे 3ab इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी में क्या हो जाएगा, 3q+1, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे, 3 का क्यूब कितना होता था, 27q³ हो जाएगा प्लस 1, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 = 9, तो ये कितना हो जाएगा, 9q, ब्रैकेट में है 3q+1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27q³ प्लस 1 प्लस 9 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 = 12,
27 और q का q से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9q इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 9q। यहाँ पे देखिए आप 9 जब कामन लेंगे, 1 को छोड़ कर बाकी 9 कामन लीजिए सब में, 9 कामन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9 3 27 q³ यानी 3q³ बचेगा, प्लस यहाँ से अगर हम 9 कामन लेंगे 9 3 27 और 3q² बचेगा, प्लस यहाँ 9 कामन लेंगे तो q बचेगा और 1 बाहर रहेगा। अब इसको एज अ इंटीजर अगर हम समझते हैं, इसको एज अ इंटीजर ये दे रखा है अंदर, तो ये मल्टीपल में क्या आ जाएगा 9 × m, बाहर क्या बचेगा प्लस 1। तो देखिए ये प्रूफ हो गया क्या, a³ क्या आएगा 9m+1, तो ये वाला भी प्रूफ हो गया। अब हमें लास्ट वाला प्रूफ करना है, तो जब तक नोट कर लीजिए आप लोग, इसको रफ करना पड़ेगा, आप नोट कर लीजिए उसके बाद मैं बताता हूँ। when r is equal to 2, r अगर 2 है तो क्या हो जाएगा a = 3q+2 हो जाएगा। अब बोथ साइड क्या करेंगे, क्यूब करेंगे हम, क्यूब करने पे क्या हो जाएगा, ये a³ हो जाएगा, 3q+2 का होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे भी वही फार्मूला हम यूज करेंगे, a+b का होल क्यूब वाला, जो कि क्या होता है a³ का मतलब क्या हो जाएगा 3q³ प्लस 2 का क्यूब प्लस a³ + b³ होगा प्लस 3ab 3 × 3q × 2 यानी 3ab हो गया इंटू a+b में क्या 3q+2, ठीक है। अब इसको जब होल क्यूब करेंगे तो 27q³ आ जाएगा, प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा 3 3 9 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 18q, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 3q+2। अब हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऐसे लिख देते हैं पहले 27q³ 8 प्लस 18 3 कितना होता है 54q q इंटू q कितना हो जाएगा q² प्लस 18 2 36 और q का मल्टीपल होगा q, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम 9 का क्या करेंगे, कामन लेंगे, 9 का कामन लेने से क्या हो जाएगा, हमें 9 का मल्टीपल में इंटीजर मिल जाएगा, तो 9 कामन लीजिए आप, यहाँ से क्या बचेगा 3 बचेगा और q³ बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 9 6 54 होता है और q² बचेगा यानी 6q² प्लस 9 4 36 यहाँ 4 बचेगा और q बचेगा, लास्ट में क्या बचेगा यहाँ पे 8 बचेगा, 8 बाहर हो जाएगा। अब एज अ इंटीजर अगर आप देखते हैं इसको, एज अ इंटीजर हो जाएगा ये, तो 9 × कितना हो जाएगा, हम उसको इंटीजर को m लिख सकते हैं प्लस 8, ये हो जाएगा, तो a³ कितना आ जाएगा 9m+8। तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं 9m+1 एंड 9m+8 क्या है, एक एज अ इंटीजर क्या है, क्यूब रूट है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म 9m+1 और 9m+8, जो कि प्रूफ हो चुका है, ठीक है दोस्तों।